आंवला नवमी कार्तिक सुदी नवमी ने आंवला नवमी आवे। ई दिन आंवला के गाछ की पूजा करे। जल मोली रोली चावल गुड़ मिठी सुवारी बतासा आंवलो कब्जो दक्षिणा आदि चढ़ावे। धूप दीप चासे 108 या फिर 8 फेरी देवे। कहानी सुने आंवला के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी ने जोड़ा से जिमावे। जिमान में आंवला जरूर घाले। जिमा का साड़ी कब्जो दक्षिणा देवे। ई दिन घर में जितना जना होवे जी का सब कोड़ा में आपको मन होवे सो रुपया गहना घाल कर लाल कपड़ा में बांध कर ब्राह्मण ने गुप्त दान करे। ई दिन सब ने आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा थो जी को रोजिना सोना को आंवला सवा मन आंवला दान कर कर जीमतो। एक दिन उनका बेटा बहू के मन में आई कि अगर ये इतना आंवला रोजिना दान करेगा तो सारो धन तो खत्म हो जासी। बेटो बाप ने कहो और बोलो कि थे अहिया तो सारो धन लुटा देगा, सुब आंवला दान कोनी कर सको। राजा रानी दुख के मारे बावनी उजार में जाकर बैठ गा। उन्होंने भूख प्यास बैठा 7 दिन होगा। राजा आंवला दान कर सको नहीं सक्यो और दान करे भी ना खावे कोनी। जद भगवान सोचिया कि अगर अब मैं इना को सत नहीं रखूंगा तो आपा ने दुनिया में कौन मानसी। तो भगवान राजा ने सपना में बोलिया कि तू उठ और देख तेरे पहले के जिया राजपाट हो रहा है। आंवला का गाछ उग रहा है। उठकर आंवला दान कर और जीम। राजा रानी उठकर देखे तो पहले जिया अभी सभी बेसी राजपाट सोना का आंवला हो रहा है। बेलोग फिर रोजिना सवा मन आंवला दान करने लाग गया। खूब सुख सरब लाग गया। बठीने बेटा बो के अन्नदाता बेरी हो गयो। आस पास का लोग बोलिया कि जंगल में एक आंवलियो राजा रवे है, थे बठर चलिया जाओ ब थारो दुख दूर कर देसी। बे लोग बठ पहुंचा तो रानी बिना ने ऊपर से देख ली और आपने आदमी ने बुलाया कि आने काम पर रख लो। काम तो कमती करायो मजदूरी ज्यादा दियो। एक दिन रानी आपकी बहू के बुलाकर बोली कि मेरो सिर नहला दे। बहू सिर नहलाने लगी तो बहू के आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिरो। रानी पूछी कि तू रोवे किया लगी, जिसे के बात होगी। बहू बोली कि मेरी सासू की पीठ पर भी इसो ही मसो थो, वह भी सवा मन आंवला रोजिना दान करती। मैं बिना ने आंवला कोने दान करने दिया, घर से निकाल दिया। जब सासू बोली कि मैं ही तेरा सास ससुर था, थे तो माने निकाल दे लेकिन भगवान मारो सत राखियो। हे भगवान जिस राजा रानी को सत राखियो, जिसे सबको राखियो, कहता ने सुनता ने हुकारो भरता ने सारा परिवार को राखियो। एक बाद में विनायक जी की कहानी के वह तो एक छोटो सो छोरो आपके घर से लड़कर निकल गयो। बोलियो कि आज तो विनायक जी से मिलकर ही घर पाछो आऊंगा। छोरो जातो जातो बावनी उजाड़ में चलो गयो। विनायक जी सोचा कि यो मेरे नाम से घर निकल गयो, सोई घरा ना पाछो नहीं भेजो तो बाग वगैरह खा जासी। विनायक जी बोलिया कि मैं ही विनायक जी हूँ, तन के चाहे सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगिए। छोरो बोलियो कि काई मांगू बापू जी, डोरो हिंग राज को पूछो गजराज को, दाल भात घीवा का फलका ऊपर ढपसो खांड को, परोस वाली सी मांगू जाने फूल गुलाब की। विनायक जी बोलिया कि छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो पर जा यहाँ ही होसी। छोरो घर आयो तो देखे एक छोटी सी बिन्नी पिंडा पर बैठी है और घर में बहुत धन हो रही है। छोरो आपकी माँ ने बोलियो कि माँ देख मैं विनायक जी से मांग कर कितो धन ले आयो हूँ। माँ खूब राजी होगी। हे विनायक जी महाराज, जिसे भी छोरा ने धन दियो उसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने हूँ कारू भरता ने सारा परिवार ने दियो। जय विनायक जी महाराज।